अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को सेलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है। उसके हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। मेन फोकस जो हमारा होता है बायोकेमिस्ट्री में, उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक प्रोसेस को लेके चल रहे हैं जो कि लिविंग सेल्स और एक ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं। और बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड है डिफरेंट और ब्रांचेस से, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाती है। और उसमें हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से उसमें हो रहे हैं, और उन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे इनकोड की जाती है डीएनए में। अब बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमारे पास जो दो और बायो से रिलेटेड हमारे पास ब्रांचेज हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स जो है, ये तीनों आपस में रेलिवेंट हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे पास जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनके हम फंक्शंस को देख लें, उनके स्ट्रक्चर्स को देख लें, उनका क्या रोल है वो सब हम देखते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारा जो मेन फोकस होता है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में होता है कि क्या इंटरेक्शन है जो सेल्स में डिफरेंट सिस्टम होते हैं उनके दरमियान, और उसमें डिफरेंट जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की जो बायोसिंथेसिस हो रही है वो सारी हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और जो हमारे पास जेनेटिक्स है वो डील करती है ज़्यादातर जीन्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस को। तो इस तरह से ये जो तीनों ब्रांचेज हैं ये एक दूसरे से रेलिवेंट है। बायोकेमिस्ट्री में हम ज़्यादातर बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में देखते हैं। उसमें आ जाती है हमारे पास प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, जो फोर मेजर क्लासेस हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। वो बायो मॉलिक्यूल्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर हायरार्की दिखाई गई है, जिसमें जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो सिंपल बायो मॉलिक्यूल से बन रहे हैं और उनको लाइट माइक्रोस्कोप में देखा गया। राइट साइड पर आप देख सकते हैं जो लेवल वन है वहाँ है मोनोमेरिक यूनिट्स, सेकेंड लेवल पे है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, थर्ड लेवल पे है सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस और लेवल फोर पे है सेल एंड इस ऑर्गेनेल्स। जो मोनोमेरिक सब यूनिट्स हैं उसमें हमारे पास आ जाती है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हुए होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं वो मिलकर आगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में न्यूक्लियोटाइड्स मिलके फर्दर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं वो मिलके प्रोटीन्स बनाती हैं, और शुगर जो है उससे फर्दर आगे हमारे पास सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं फर्दर आगे बनाते हैं सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। जैसे डीएनए से आगे फर्दर हमारे पास अगर हम देखें तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं, और सेलुलोज जो हमारे पास सेल वॉल में होती है। इन सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू अटैच हुए होते हैं। जो नॉन कोवेलेंट अट्रैक्शंस हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि पोलर ग्रुप्स के दरमियान होती है, फिर हमारे पास आयनिक इंटरेक्शन है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, उसके अलावा वंडरवाल इंटरेक्शंस हैं। तो जो ये वीक इंटरेक्शंस हैं डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये फर्दर आगे बनाते हैं सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, और इन सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस से फर्दर आगे एक पूरा एक सेल और उसके ऑर्गेनेल्स बनते हैं, जो हमारे पास एक यूनिक स्ट्रक्चर आ जाता है सेल का। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस डिफरेंट फील्ड्स पे है। हम इसे एक क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस फील्ड में हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, डिजीज़ की ट्रीटमेंट की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, न्यूट्रिशन में उसका रोल देखते हैं, एग्रीकल्चर में देखते हैं,
बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक्सप्लेन करती है लाइफ को डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस के थ्रू। उसमें वापस और डिफरेंट साइंसेस आ जाती है, इसमें अनाटॉमी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और फार्मेसी है। बायोकेमिस्ट्री का मेडिसिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री अपना क्या रोल प्ले करती है। ह्यूमन बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आती हैं और जो बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री जो है वो हेल्प आउट करती है। बायोकेमिस्ट्री में हम ह्यूमन बॉडी में फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं, और इसके अलावा किसी भी डिजीज़ की पैथोलॉजी को भी स्टडी करने के लिए हमें बायोकेमिकल चेंजेस ही देखनी पड़ती हैं। अब पैथोलॉजी में क्या आएगा? पैथोलॉजी होती है वो सिम्टम्स जो कि एक पेशेंट बताता है किसी फिजिशियन को, और फिजिशियन बायोकेमिकल चेंजेस की बेस पे उसे एक क्लू देता है कि ये डिसऑर्डर उस पेशेंट में है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके जॉइंट में स्टिफनेस है, तो फिजिशियन प्रिडिक्ट करेगा कि उसे गाउट है। उस गाउट को कंफर्म करने के लिए उसे यूरिक एसिड के लेवल को चेक कराना पड़ेगा ब्लड में। अगर यूरिक एसिड की एक्युमुलेशन होगी ब्लड में तो उसे गाउट होगा। अब इस पैथोलॉजी को स्टडी करने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बायोकेमिकल चेंजेस जो हैं जो ह्यूमन बॉडी में आ रही होती हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही स्टडी करते हैं। मेडिसिन में हमने फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी देख लिया। थर्ड हमारे पास पॉइंट है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, और उसके बाद आता है हार्मोनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो है उसको भी हम स्टडी करते हैं, और हार्मोनल डेफिशिएंसी को भी बायोकेमिस्ट्री में। आजकल के दौर में बहुत से लोग जो हैं वो मल्टी विटामिन पर रिलाई करते हैं, और उन मल्टी विटामिन का फंक्शन और जो रोल है वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। अब आते हैं हार्मोनल डेफिशिएंसी की तरफ। हार्मोनल डेफिशिएंसी जो होती है आजकल वुमेन्स और चिल्ड्रन में बहुत से डिसऑर्डर्स ऐसे आ रहे हैं जो हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होते हैं। अब हार्मोन्स की फॉर्मेशन, उसका रोल और उसको उसके फंक्शंस को जो हम स्टडी करते हैं वो भी बायोकेमिस्ट्री में ही करते हैं। मेडिसिन के बाद हम देखेंगे कि नर्सिंग में क्या रोल है बायोकेमिस्ट्री का। नर्सिंग में हम डिफरेंट टेस्ट देखते हैं, जिसमें किडनी, लिवर, कोलेस्ट्रोल, ब्लड टेस्ट वगैरह आ जाते हैं। जो किडनी टेस्ट है हमारे पास, उससे हम डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स के बारे में, और यूरिन टेस्ट जो है वो हेल्प करता है कि हमें अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह ड्रग की एक्सक्रीशन हो रही है डिफरेंट मेटाबोलाइट्स की, और पीएच में क्या चेंजिंग आ रही है। इसके अलावा जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि लीवर में क्या डिजीज़ है और कितना लीवर डैमेज है, और डिफरेंट मेडिकेशन की वजह से लीवर पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है सीरम कोलेस्ट्रोल टेस्ट। सीरम कोलेस्ट्रोल टेस्ट से हम एवेल्युएट करते हैं कि ब्लड में कोलेस्ट्रोल लेवल क्या है, डिफरेंट लिपोप्रोटीन का लेवल क्या है। और जब हमारे पास कोलेस्ट्रोल लेवल आ जाता है टेस्ट में, और उसके थ्रू डॉक्टर ये डिटेक्ट करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का जो चांसेस हैं वो पेशेंट में कितने ज़्यादा हैं। ब्लड टेस्ट जो किए जाते हैं वो मोस्टली ब्लड में ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए किए जाते हैं, और इस ब्लड टेस्ट के थ्रू हम डायबिटीज़ की सेवेरिटी को चेक करते हैं। इसके अलावा जो एक और बायोकेमिकल एनालिसिस होता है, कीटोन बॉडीज हम चेक करते हैं यूरिन में, जो कि इंडिकेट करती हैं डायबिटीज़ की स्टेज को। अगर कीटोन बॉडीज़ यूरिया में अपीयर हो जाएं तो मोस्टली डायबिटीज़ की लास्ट स्टेज होती है। इसके बाद आती है जेनेटिक टेस्टिंग। जो जेनेटिक टेस्टिंग है वो की जाती है मोस्टली जेनेटिक डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, या जो इनहेरिटेड डिजीज़ होती है उनको डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो चाइल्ड की पेरेंट एज को चेक करने के, उसको डिटरमाइन करने के भी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, और जेनेटिक डिजीज़ के लिए डिफरेंट और बायोकेमिकल टेस्ट किए जाते हैं। एग्रीकल्चर में बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हम डिजीज़ से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे डिजीज़ का कर सकते हैं, और प्रोडक्शन या यील्ड को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं वो हम सब स्टडी करते हैं।
और बायोकेमिस्ट्री इसके अलावा हमें आइडिया देती है कि किस तरह फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हुए हमने अपनी प्लांट की ग्रोथ, उनकी यील्ड को, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करना है। ग्रोथ को कैसे इन्हांस किया जाता है ये सब भी हम बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं। यील्ड को कैसे इन्हांस किया जा सकता है, डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। उन हार्मोन्स के ज़रिए हमें पता चलता है कि कौन से हार्मोन्स ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं या फ्लावरिंग को इनकरेज करते हैं या फ्रूट की फॉर्मेशन करते हैं। वो सब हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, फिर उसके थ्रू हम मज़ीद एग्रीकल्चर में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिशरीज़ में अगर देखें तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फ़िश की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी रिप्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, वो हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फूड जो प्रोड्यूस की जाती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, उसमें कुछ स्पेसिफिक चेंजिंग की जाती है उनके डीएनए में, उसमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड यूज़ किया जाता है, वो भी सब हम बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर में हम देखते हैं, एनिमल्स में हम चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ मिल्क डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू। इसके अलावा हम डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं एनिमल्स में, बर्ड्स में, वो सब बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हम करते हैं। फिशरीज़ में अगर हम चेक करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि वाटर की क्वालिटी क्या है, वो डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू चेक की जाती है। वाटर की केमिस्ट्री में क्या चेंजेस आ रही हैं, उसकी कंपोजिशन में क्या चेंजेस आ रही हैं, जो फिशरी पॉन्ड्स बने होते हैं उसमें फ़िश या प्रॉन्स की डेथ अगर ज़्यादा हो रही तो उसकी रीजंस क्या है, वो भी डिफरेंट बायोकेमिकल्स के थ्रू हम चेक करते हैं। इसके अलावा कुछ और टेस्ट किए जाते हैं जिसमें हम सॉल्ट कंटेंट चेक करते हैं, पीएच लेवल चेक करते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट की एक्युमुलेशन होती है वो डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू चेक की जाती है। फूड इंडस्ट्री में जो मेन रोल है बायोकेमिस्ट्री का, उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फूड इंडस्ट्री, और स्पेशली इन द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल। और इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इंजाइम्स की जो इन्वॉल्व होती हैं डिफरेंट प्रोसेस में, जो कि इम्प्रूव करती हैं क्रॉप्स को। न्यूट्रिशन या फूड इंडस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री का जो रोल है, उसमें हम देखते हैं कि फूड केमिस्ट्री जो है वो हमें कैसे पता चलती है बायोकेमिस्ट्री के थ्रू। फूड केमिस्ट्री में पता चलता है कि हमने क्या खाना है, हमारी जो फूड है उसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं, किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, वो हमें बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही पता चलता है। और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आ रही होती हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से, वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है। बायोकेमिस्ट्री की वजह से हम डिफरेंट विटामिन, मिनरल्स और एसेंशियल जो फैटी एसिड होते हैं उनका हम रोल देखते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं हमारी हेल्थ में क्या है, वो हमें पता चलती है। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट फिजिशियंस और फिटनेस एक्सपर्ट हैं वो भी हमें रिकमेंड करते हैं डिफरेंट ऑयल्स है या जो अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही स्टडी करते हैं, और उनके उसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारी फूड में किस चीज़ का कंटेंट कितना ज़्यादा है, कितना कम है। बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू होती है वो भी हम डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल फार्मेसी में भी है, उसका स्कोप हम देखेंगे फार्मेसी में क्या है। ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हमें ड्रग्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पता चलता है, और इसकी डिग्रेडेशन कैसे हो रही है, टेम्परेचर की चेंजिंग की वजह से कैसे ड्रग्स की डिग्रेडेशन होती है, और हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं मेडिसिन की केमिस्ट्री को, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। हाफ लाइफ जो है उसको हम स्टडी करते हैं डिफरेंट बायोकेमिकल्स टेस्ट के थ्रू। ये टेस्ट जो किए जाते हैं वो ये चेक करने के लिए किए जाते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो कब तक स्टेबल रहेगी और किस टेम्परेचर पे उसको स्टेबल रखा जा सकता है। इसके अलावा डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट हैं वो उसकी हाफ लाइफ को फिक्स करने के लिए और उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करने के लिए किए जाते हैं।
ड्रग की स्टोरेज और ड्रग के मेटाबॉलिज्म को चेक करने के लिए भी हमें बायोकेमिकल टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही उसको स्टडी करते हैं और उसको चेक करते हैं। ड्रग किस कंडीशन में स्टोर की जा सकती है, उसकी स्टोरेज की जो सी कंडीशन रिक्वायर है, वो हम डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से इंजाइम्स और हॉर्मोन्स हैं जो कि स्टोर किए जाते हैं, जिनको आगे सप्लाई करना होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब उनको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दिया जाता, ड्यू टू टेम्परेचर ऑक्सीडेशन और कंटेमिनेशन, और ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ड्रग के मेटाबॉलिज्म को हम किस तरह से चेक करते हैं, वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री हमें एक आइडिया देती है कि किस तरह ड्रग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, और कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत पुअर है, उनको अवॉइड किया जा सकता है, या जिनका एक्सेसिव यूज़ जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स से हो सकते हैं, और कौन सी जो ड्रग्स हैं वो पेशेंट्स को दी जा सकती हैं, कौन सी नहीं दी जा सकती, वो जो ड्रग मेटाबॉलिज्म पूरा हम स्टडी करते हैं, वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है, उसमें हम ये देखते हैं कि ड्रग्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, ड्रग्स को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, उनको डिग्रेडेशन से कैसे बचाया जा सकता है, उनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और किस तरह ड्रग्स जो है मेटाबोलाइज होती हैं डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस या रिएक्शंस के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। और इसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री है वो एक गाइड के तौर पर काम करती है किसी भी ड्रग की डिस्कवरी के लिए, और उसकी एप्लीकेशन के लिए हमें जो स्टडी है वो बायोकेमिस्ट्री में ही मिलती है। ड्रग को डिस्कवर करना, फिर उसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे होगी, उसके लिए हमें बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मॉर्फिन ड्रग है जो कैंसर की पेन को रिड्यूस करती है, तो ये सारी स्टडी भी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बायोकेमिस्ट्री से रेलिवेंट ही है। फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट बायोकेमिकल्स, उनके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को, और ड्रग्स के क्या इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन पे, उन सब को हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी के आगे डिफरेंट ब्रांचेज हैं जिसमें हम डिफरेंट ड्रग्स के अकॉर्डिंग उसकी स्टडी करते हैं। फार्माकोडायनामिक्स जो है उसमें हम स्टडी करते हैं सेलुलर और मॉलिकुलर इंटरेक्शन ड्रग्स का विद देयर रिसेप्टर्स, एंड फार्माजिनोमिक्स में हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड ऑर्गेनिज्म। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि ड्रग को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। फार्माकोग्नोसी में हम स्टडी करते हैं कि मेडिसिन नेचुरल रिसोर्सेज से कैसे ड्राइव की जाती हैं। फार्मास्यूटिकल टॉक्सिकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि जो हार्मफुल और टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं ड्रग्स के, उनको हम जो स्टडी करते हैं वो इन डिफरेंट ब्रांचेज में, इस ब्रांच में स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिकल टॉक्सिकोलॉजी में। स्टार्ट में जब मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि हम डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, चाहे वो प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, ह्यूमन बीइंग्स में हो। अगर हम प्लांट्स में देखें, जो एक बहुत माइनर से हमारे पास प्रोसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कैसे सिंथेसाइज हो रही हैं, सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, और उसको बनाने में कौन से एंजाइम जो हैं अपना मेन रोल प्ले कर रहे हैं, ये सारी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके साथ हमारे पास सोलर एनर्जी है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। सेकेंड है हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस। जैसे आपने पहले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और इस सारे प्रोसेस में प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज़ करती है एयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से। जो ये ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ये ह्यूमंस और एनिमल्स जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ कर लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम डिफरेंट शुगर्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो प्लांट्स में बनते हैं, जैसे ट्राइओसिस जो है 3 कार्बन शुगर है, दैट इज़ ग्लिसरेल्डिहाइड, टेट्रोसिस है, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस जो कि ग्लूकोज है, हेप्टोसिस है। टेट्रोसिस में हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं वो मोस्टली जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड में, जैसे डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है और राइबो न्यूक्लिक एसिड है।
प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में भी बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब करती है कि किस तरह की प्लांट प्रोडक्ट्स बनती हैं, लाइक गम्स, टैनिंस, एल्कलॉइड्स, रेजिन्स, एंजाइम्स और डिफरेंट फाइटोहार्मोन्स जो प्लांट्स में बनते हैं, और डिफरेंट बायोकेमिकल्स की कन्वर्जन होती है ओवर सम टाइम, लाइक लिग्निन, काइटिन जो हार्डन करते हैं डेड वास्कुलर वेसल्स को, और डिफरेंट अदर फंक्शंस जो होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स जो हैं जिसमें फ्रूट जो है वो किस तरह से बन रहा है, और प्लांट्स में सीड की जर्मिनेशन कैसे हो रही है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट में कैसे हो रहा है, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स कैसे बन रही हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फैट्स जो हैं वो किस तरह से बन रही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इस सबको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। करियर प्रोस्पेक्टिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक बायोकेमिस्ट जो है वो एक फूड एनालिस्ट भी हो सकता है, एक एग्रोकेमिस्ट भी हो सकता है और एक रिसर्चर भी हो सकता है। बायोकेमिस्ट्री के जो रिसर्च एरियाज़ हैं उनके बारे में बताया गया यहाँ पे, और बायोकेमिस्ट्री की जो डिफरेंट जॉब्स होती हैं पाकिस्तान में उसके बारे में बताया गया आपको। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस और उसका स्कोप जो डिफरेंट फील्ड्स में है वो सब हमने इसमें स्टडी किया।